नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है सीवाई एस्ट्रोलॉजर में। आज हम बात कर रहे हैं जन्म कुंडली में राहु महादशा के बारे में। देखिए, ये जो वीडियो है इसमें मैं राहु के महादशा के बारे में बताऊंगा कि आने वाले समय में राहु की महादशा अपनी अंतरदशाओं के अंदर क्या क्या परिणाम देगी। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, तो आप कोशिश करें कि इसको पूरा देखें, जिससे कि आपको राहु के बारे में और प्रेडिक्शन को लेके किस तरह से फलादेश किया जाता है उसमें काफी आपको सुविधा मिले। तो ये जो जन्म कुंडली है आपके सामने, जो जन्म कुंडली आ रही है, इसका डेट ऑफ बर्थ है 24 जून 1964 और टाइम है 1940 अलवर। तो ये जो जन्म कुंडली है ये धनु लग्न की है। लग्न में चंद्र केतु का ग्रहण योग बना हुआ है और सप्तम भाव में ठीक उसके अपोजिट सूर्य बुध शुक्र और राहु, चार ग्रह सप्तम भाव में विराजमान है। देखिए, जन्म कुंडली जो है वो देखने में बड़ी ही अजीब सी है और डरावनी है। डरावनी का मतलब ये हुआ कि लग्न में चंद्र केतु का ग्रहण योग बहुत ही ज्यादा लोगों को डरा देता है। और दोनों ही मूला नक्षत्र में, चंद्रमा भी मूला नक्षत्र में, केतु भी मूला नक्षत्र में, और दोनों की डिग्री भी परस्पर साथ है, तो इसका मतलब है कि थोड़ा सा डरा देने वाला योग है। और धनु राशि के अंदर चंद्रमा धनु राशि में काफी अच्छा रिजल्ट देता है। उसके ठीक अपोजिट में देखिए सूर्य राहु ग्रहण योग, राहु और बुध जो है वो जड़ योग माना गया है, और सप्तम भाव में राहु और शुक्र का होना, एक तरह से राहु और शुक्र का होना ये एक तरह से मैरिटल लाइफ में भी दो शादी या इससे रिलेटेड कुछ रिजल्ट दिखाता है। लेकिन ये चीजें अलग अलग है क्योंकि इनमें नक्षत्रों में काफी डिफरेंस है, क्योंकि शुक्र जो है मृगशिरा नक्षत्र में है जो मंगल का है, राहु जो है वो आद्रा नक्षत्र में है, आद्रा जो है वो राहु का ही नक्षत्र है। तो इसकी डिटेल्स के लिए आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो सभी ग्रहों के बारे में लिखा होता है, जैसे राहु है मिथुन राशि है 8.48 डिग्री, बुध जो है बुध की राशि है, आद्रा नक्षत्र है, राहु का ही नक्षत्र है, तो इस तरह से सारी डिटेल लिखी होती है। अब देखिए, राहु जो है वो आद्रा नक्षत्र में है, हमें राहु का फलादेश करना है, लेकिन जातक की जो उम्र है वो काफी है, तो उस हिसाब से हमें पहले ये देखना होता है कि जातक का करियर कहाँ पे है, एक्चुअली में वो एट प्रेजेंट में क्या कर रहा है, या आज से 10 साल पहले वो क्या कर रहा था, या राहु की महादशा तो अभी लगी है, जैसे कि राहु की महादशा जो लगी है वो लगी है 2011 से, तो उससे पहले जातक क्या कर रहा था, और उसी चीज को तो वो आगे करेगा। मान लीजिए अगर वो टीचर है या कोई बैंक में कर्मचारी है या जो भी है मैनेजर है या जो भी है, तो उसी चीज को आगे करा, क्या राहु उस चीज को शूट करेगा या नहीं करेगा, पहला क्वेश्चन तो ये होता है। तो आप जो उसका पास्ट है उसको जरूर देखेंगे वो क्या सिग्निफाई किया था, सेम उसी चीजों को राहु भी कर रहा है। अगर वही चीज को राहु अगर अच्छे से सिग्निफाई कर रहा है, इसका मतलब है कि एक प्लस पॉइंट है आपकी राहु की महादशा बिजनेस या नौकरी पर्पज के लिए अच्छी निकलेगी। दूसरा कि आप जब भी जन्म कुंडली को फलादेश करते हो तो उससे रिलेटेड सारे के सारे डिविजनल चार्ट जरूर देखिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो इस जन्म कुंडली में आपको मैं बता देता हूँ, एक योग और है जिसका नाम है काल सर्प योग, तो वो भी है काफी डरावना है। तो उससे भी लोग डरते हैं, तो लेकिन ये सारे योग हो रहे हैं फिर भी क्या जातक जो है वो सक्सेस है या नहीं है, तो उसको हम देखेंगे। तो राहु से जो पहले महादशा थी वो मंगल की थी, तो हम मंगल का एनालिसिस करते हैं पहले। तो मंगल की महादशा कैसी निकली है, देखिए मंगल जो है वो आपके सामने छठे भाव में बैठा है 11.46 डिग्री, रोहिणी नक्षत्र के पहले चरण में। रोहिणी जो नक्षत्र है वो चंद्रमा देवता का नक्षत्र है, चंद्रमा देवता धनु राशि में बैठे हैं और काफी अच्छे विराजमान है, तो ये एक अच्छी हमें सिग्निफिकेंस मिला है कि चंद्रमा यहाँ पे काफी अच्छा है। बाकी चंद्रमा जो है वो अष्टम घर का मालिक है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट होता है, लेकिन अष्टम घर जो है वो अकेला कभी भी बुरा नहीं होता है। अष्टम घर जो है वो सारी जो विद्या है उसका एक डीप एनालिसिस का पॉइंट है, तो अष्टम घर से आप कभी भी न डरिए। अष्टम घर और बारहवां घर ये हमेशा ही कुछ ना कुछ हमें जीवन में देते ही हैं। तो आप देखिए, मंगल जो है वो रोहिणी नक्षत्र में है, चंद्रमा के नक्षत्र में। मंगल किन घरों का मालिक है, मंगल जो है वो पंचम घर का मालिक है और बारहवें घर का मालिक है। दो राशियां हैं मेष और वृश्चिक, तो ये दोनों राशियां जो है
पंचम घर में और 12वें घर में आ रही है, मंगल खुद छठे घर में बैठा है, तो ये हमें इसमें रिजल्ट का पता चला है। फिर देखिए मंगल जो है वो चंद्रमा के नक्षत्र में है, चंद्रमा जो है वो 8वें घर का रिजल्ट देता है, तो यहाँ पे हमें जो रिजल्ट मिला है वो 5वें का संबंध छठे, छठे का संबंध 8वें और 8वें का संबंध 12वें से। इसमें दो तरह के रिजल्ट बनते हैं, एक तो छठा 8वां 12वां जो मिलता है तो जातक जो है वो मेडिकल लाइन या फिर मेडिकल से रिलेटेड कुछ उसका लिंक बनता है, क्योंकि छठा घर जो है वो बीमारी है, 8वां घर बड़ी बीमारी है, 12वां घर जो है वो यहाँ पे हमें हॉस्पिटलाइजेशन या हॉस्पिटल दिखाती है। उसके बाद देखिए मंगल जो है वो रोहिणी नक्षत्र में है और वृषभ राशि में, वृषभ राशि का जो मालिक है वो है शुक्र देवता, शुक्र देवता जो है वो सप्तम घर में विराजमान है बुध के साथ, बुध जो है यहाँ पे अपनी ही राशि में विराजमान है, भद्र नाम का पंच महापुरुष योग बना के जो मृगशिरा नक्षत्र के चौथे चरण में है, मृगशिरा जो है मंगल का नक्षत्र है और मंगल जो है वो छठे घर में विराजमान है, तो यानी कि इस जन्म कुंडली में मंगल एक काफी योगकारक प्लेनेट है, क्योंकि मंगल शुक्र से रिजल्ट ले रहा है और शुक्र को रिजल्ट दे भी रहा है। ये मेरा बताने का मकसद ये था कि मंगल जो है वो छठे भाव में बैठा है, 5वें छठे 8वें और 12वें का रिजल्ट देता है, तो पहला रिजल्ट मेडिकल का देता है, दूसरा रिजल्ट देता है 5वां 8वां 12वां जो है वो एक तरह से इंजीनियरिंग है और आपका जो भी इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, आर्टिस्टिक लाइन है उससे रिलेटेड है, उस तरह का वो रिजल्ट देता है। देखिए शुक्र की राशि में है तो मंगल के जितने भी रिजल्ट है वो शुक्र से प्रभावित होंगे, और शुक्र भी जो मंगल की ही नक्षत्र में है और बुध के भी नक्षत्र में, बुध जो है वो भी मंगल के नक्षत्र में, तो तीनों ग्रहों पे मंगल का आधिपत्य है और मंगल के ऊपर चंद्रमा का, चंद्रमा जो है वो मन का कारक होता है, चंद्रमा जो है वो उड़ने वाला ग्रह है, चलायमान ग्रह, चंद्रमा जो है वो लग्न में बैठा है। और इस जन्म कुंडली का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, इस जन्म कुंडली का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका लग्न का डिग्री। देखिए लग्न का डिग्री है 14.56 यानी 14.56 डिग्री पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, तो ये जो नक्षत्र है और ये जो लग्न का डिग्री है वो है 14 डिग्री। और आप इस कुंडली में सारे ग्रहों को देखिए, इसमें ऑलमोस्ट आप सभी ग्रहों को देखिए, चंद्रमा जो है वो 4 डिग्री का है, केतु 8 डिग्री का है, सूर्य 9 डिग्री का है, बुध 6 डिग्री का है, राहु 8 डिग्री का है, शुक्र 2 डिग्री का है और गुरु जो है वो 23 डिग्री का है और शनि 11 डिग्री का है, मंगल 11 डिग्री का, यानी कि एक गुरु एक ऐसा प्लेनेट है जो इस जन्म कुंडली में लग्न की डिग्री के से ज्यादा मतलब है अपनी डिग्री पे, यानी कि अगर हम इसको एग्जाम्पल में माने कि जातक ने जब जन्म लिया है तो बाकी सारे ग्रह जो थे वो आसमान में दिख नहीं रहे थे, यानी कि जैसे मान लीजिए नाइट हो गई है, नाइट में ग्रह तो सारे होते हैं लेकिन हमें दिखता कोई नहीं है, तो जब जन्म लिया है उस समय सिर्फ एक ही ग्रह जो था वो एक्टिव में था, वो था गुरु जो 23.27 डिग्री पे भरणी नक्षत्र के चौथे चरण में, भरणी जो नक्षत्र है वो शुक्र देवता का है, तो गुरु जो रिजल्ट देगा वो शुक्र के भी देगा, तो गुरु भी रिजल्ट देगा वो क्या देगा, शुक्र से संभावित रिजल्ट देगा, यानी शुक्र से, यानी मान लीजिए गुरु मैनेजमेंट का कारक है, शुक्र जो है वो आर्टिस्टिक लाइन का कारक है, तो वहां से रिजल्ट आएगा। देखिए जन्म कुंडली में कई सारे योगों को मैंने बताया है, जैसे काल सर्प है, चंद्र ग्रहण है, सूर्य ग्रहण है, जड़ दोष है, तो हम इन चीजों से डरे नहीं है, हम इन चीजों पे बात नहीं करके आगे आके हम प्रेडिक्शन पे बात कर रहे हैं। तो इसी तरीके से आप मंगल को देखिए, मंगल जो है वो 5वें 8वें 12वें का, यानी कि एक तरह से इंजीनियरिंग और जो भी आर्टिस्टिक लाइन है, मान लीजिए खाने से रिलेटेड है या जो भी मशीनरी से रिलेटेड जो भी वर्क हो रहा है उसमें वर्क कर रहा है, प्लस शुक्र की राशि में है तो थोड़ा सा अट्रैक्टिव है, यानी कि थोड़ा सा फैशनेबल है, या ऐसे करिए शुक्र का मतलब फिल्म लाइन कह सकते हो, और जो भी आप शुक्र से संबंधित चीजों को मानते हो। देखिए आपको कई बुक्स में मिलेगा, आप अगर किसी बुक्स में देखोगे तो वृषभ राशि के अंदर क्या क्या कारोबार आते हैं, वृषभ राशि में बहुत सारे कारोबार आते हैं, जैसे मंगल अगर वृषभ राशि में बैठा है तो क्या कारोबारों को सिग्निफाई करेगा। सबसे पहले आप ये देखिए कि तो अगर मंगल वृषभ राशि में बैठा है, वृषभ राशि का मतलब शुक्र की राशि, वृषभ राशि जो है वो काल पुरुष की कुंडली में सेकंड भाव पे आती है जो धन भाव है, तो मंगल का यहाँ पे शुक्र की राशि में होना, तो ऐसे तो इन दोनों का कोई संबंध नहीं है, मैत्री संबंध नहीं है, लेकिन राशि बड़ी इंपॉर्टेंट है, मंगल इस कुंडली में हमें योग कारक सिद्ध होता है, क्योंकि वो जातक का
टैलेंट को दर्शाता है, यानी जहाँ तक कि एजुकेशनल स्किल्स को दर्शाता है, क्योंकि पांचवा आठवां बारहवां और छठा आठवां बारहवां दो घरों को देता है, दो सॉरी दो कॉम्बिनेशन देता है, तो जहाँ तक कि स्किल्स को दर्शाता है। तो स्किल्स में शुक्र जो है वो अपना रिजल्ट देगा, क्योंकि मंगल जो है वो रोहिणी नक्षत्र में है तो चंद्रमा का रिजल्ट ले रहा है, और शुक्र की राशि में है तो सबसे ज्यादा रोहिणी नक्षत्र और शुक्र का रिजल्ट का उसमें मिली जुली चीजें होगी। तो शुक्र, तो सबसे पहले वृषभ राशि के बारे में बताता हूं आपको, वृषभ राशि जो है वो किन किन तरह के कारोबार को दर्शाती है। तो वृषभ राशि जो है वो जैसे फिल्म लाइन को दर्शाती है, कला को दर्शाती है, चित्रकारी को दर्शाती है, और रंगों को, फोटोग्राफी को, कारीगरी को, ब्यूटी पार्लर को, कांच के कारखाने इनको दर्शाती है, मोटर कारखाने, गैराज, पेट्रोलियम। और वृषभ राशि का मुख्य मुख्य जो संबंधित जो उसका जो कारोबार होता है वो है होटल्स। शुक्र जो है मीठी चीजों से संबंधित है, तो शकर के कारखाने, मिठाई की दुकान, शराब से जुड़ा हुआ शराब बनाने वाली जो मटेरियल होता है वो भी शुक्र ही दर्शाता है। दूसरा, फाइव स्टार होटलें, और शुक्र जो है वो दूध देने वाले जानवरों को भी दर्शाता है। तो ये जो सारी चीजें मैंने बताई है ये आपको किसी भी बेसिक एस्ट्रोलॉजी की जो भी बुक्स आती है उनमें सब में आपको ये चीजें मिल जाएगी। तो ये जो मैंने बोला है ये एक बुक से देख के बोला है। काफी सारे लोग कहते हैं कि सर आप ये जो चीजें बताते हो इनकी कोई बुक्स भी आती है या आपने कहाँ से देख के बोला है? तो इसके लिए मेरे पास एस्ट्रोलॉजी की पुरानी बुक्स है तो उसमें पड़ी है ऐसी चीजें, तो आप भी ऐसी कोई भी बुक्स खरीद लीजिए उसमें आपको मिल जाएंगी ये चीजें, बेसिक चीजें हैं। तो इस तरह से आपको कोई भी राशि के बारे में पता चल जाता है। तो जैसे आप अगर एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन काफी वर्षों से कर रहे हो तो ये चीजें याद भी रहती है, और अगर आप को याद नहीं अब नए हैं तो बुक्स में देख सकते हो, इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो इस तरह से आप देखिए कि मंगल जो है वो पांचवें घर को दिखा रहा है, वहां पे गुरु का बैठना यानी कि इंटेलिजेंसी को और बढ़ा देना। पंचम घर जो है वहां पे गुरु, गुरु जो है मैनेजमेंट को सिग्निफाई करता है, भरणी नक्षत्र में, शुक्र के नक्षत्र में। तो शुक्र यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया किसका, पंचम भाव का यानी कि मैनेजमेंट का, और मंगल जो है उसकी मां दशा है, तो मंगल के कारण मंगल जो है वो दे रहा है पांचवें आठवें बारहवें का कारण रिजल्ट, जो हमें आइडिया कहता है और जो हमें पता चलता है कि ये रिजल्ट जो है वो आपको होटल मैनेजमेंट का या फाइव स्टार होटल का या खाने से रिलेटेड कोई चीजों का हो सकता है। तो शुक्र की राशि और चंद्रमा वो भी जो है वो चलायमान है, तो होटल से संबंधित रिजल्ट आ रहा है, तो यानी कि ये होटल से संबंधित रिजल्ट को दर्शाता है। फिर तो उसके बाद हम नवमास कुंडली को देखते हैं। नवमास कुंडली को देखते ही सारा का सारा खेल बदल जाता है। जो लग्न कुंडली से हमें जो भय होता है काल सर्प और इतने योगों को देख के, जैसे ही हम नवमास कुंडली को देखते हैं तो सारी चीजें जो है एकदम आसान हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे नवमास कुंडली का जो लग्न है वो है सिंह लग्न, यानी कि सूर्य देवता। सूर्य देवता जो है अपने अति मित्र धनु राशि यानी कि गुरु की राशि में पंचम भाव में विराजमान है। सूर्य का पंचम भाव में विराजमान होना बहुत अच्छा राजयोग है। शनि जो है वो यहाँ पे तीसरे भाव में कुंभ राशि में विराजमान थे और नवमास कुंडली में मकर राशि में विराजमान, अपनी ही राशि में, तो ये बहुत बढ़िया हुआ है, एक तरह से वर्गोत्तम की तरह है। और मंगल जो यहाँ पे रोहिणी नक्षत्र में थे, वृषभ राशि में थे, ये मंगल जो है वो नवमास कुंडली में भाग्य में जाके अपनी ही राशि में हुए हैं, तो ये तो बहुत बड़ा राजयोग हुआ। फिर चंद्रमा जो है यहाँ पे ग्रहण योग था और नवमास कुंडली में दशम भाव जो यानी कि कर्म का भाव है वहां पे चंद्रमा उच्च के हुए हैं, तो ये सारी चीजें जो है वो बड़ी ही मतलब बदल गई है। और आप सबको पता है कि राहु जो है वो मिथुन राशि में उच्च के होते हैं, कुछ लोग वृषभ राशि में कहते हैं, कुछ लोग मिथुन राशि में कहते हैं, ज्यादातर जो लोग हैं वो वृषभ राशि में कहते हैं और कुछ लोग जो है वो राहु को मिथुन राशि में भी उच्च का कहते हैं। अब दशमांश कुंडली जो है वो बनती है मेष लग्न की, यहाँ पे जो मंगल हमने योग कारक कहा था वो मंगल जो है वो छठे भाव में था, नवमास में नवम भाव में था और अपनी ही राशि में यानी मेष राशि में, और दशमांश कुंडली जो कर्म का होता है वहां पे मंगल जो है वो मेष राशि में लग्न में बैठा है, यानी कि ये एक तरह से रुचक नाम का पंच महापुरुष योग है।
तो यानी कि बहुत अच्छा हुआ है। शुक्र तीसरे भाव में बैठा है और ये जो बुध की राशि है और काफी अच्छी होती है बुध की राशि, तो यहाँ पे ये सारी चीजें दर्शा रही है। और चंद्रमा जो है वो वहां भी दशम भाव में था नवमास में भी, और यहाँ भी दशम भाव में था और 10 नंबर राशि में है, तो काफी अच्छा रिजल्ट देगा। तो ये चीजें हमें दर्शा देती है कि जातक जो है वो मंगल की महादशा में काफी अच्छा फायदा लिया है, और ये भी माने कि वो मंगल से पहले जो चंद्रमा था उसमें भी बड़ा फायदा रहा, क्योंकि चंद्रमा भी नवमास कुंडली में दशम घर में उच्च का हुआ था और यहाँ पे भी दशम घर में ही विराजमान है दशमास कुंडली में। तो मंगल और चंद्रमा दोनों ने ही अच्छा रिजल्ट दिया है जातक को। साथ में पंचम भाव में बुध का होना, तो पंचम भाव में बुध जो है सबसे योग कारक ग्रह, योग कारक ग्रह होता है पंचम भाव का बुध, तो यहाँ पे जातक को इंटेलिजेंसी, बोलने की बेस्ट जो नॉलेज होती है, जो ट्रिक्स होते हैं, वो सारे के सारे राहु और बुध जो है मिलके देते हैं। राहु जो है वो बातों में एक्सपर्ट होता ही है और बुध जो है वो तो वाणी का कारक है, तो यहाँ पे ये दर्शा देता है कि जातक का जो कम्युनिकेशन स्किल्स है और जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही लाजवाब है। तो यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि मंगल जो है और चंद्रमा यानी कि जो पहली जो महादशाएं थी वो जातक को काफी अच्छा रिजल्ट दिया, और जातक जो है वो होटल मैनेजमेंट से संबंधित कुछ व्यवसाय में है, क्योंकि मंगल जो है वो 5वें 8वें और 12वें घर को सिग्निफाई करता है, और यहाँ पे गुरु का पंचम भाव में लग्न कुंडली में होना ये दर्शा देता है कि मैनेजमेंट से संबंधित है, और शुक्र का सप्तम भाव में होना ये दर्शा देता है कि यहाँ पे शुक्र बुध जो व्यापारिक ग्रह हैं जो इसको बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। तो ये जन्म कुंडली में हमने मंगल के परिणामों को देखा। तो आप मंगल का आइडिया ऐसे भी लगा सकते हो कि मंगल जो है वो छठे घर में बैठा है, 12वें घर का मालिक है, तो विपरीत राज्यों की थ्योरी में भी आता है। लग्नेश जो है वो बलि है यहाँ पे पंचम भाव में अपने कारक भाव में, धनु लग्न की कुंडली है, तो ये भी कह सकते हो। लेकिन हमने इतना जो फलित किया है इसमें हमने ये देखा है कि मंगल जो है वो हमें होटल मैनेजमेंट से संबंधित जो परिणाम है वो दे रहा है, तो हमें पता चला कि अब राहु में ये सारी की सारी चीजें हमें मिलेगी। वीडियो तो राहु का था लेकिन हमने ये एनालिसिस करने के लिए आपको मंगल और चंद्रमा का भी रिजल्ट निकाला। तो इस वीडियो को आप देखते रहिए, लंबा तो हो रहा है लेकिन आपका इसमें नॉलेज भी बढ़ेगा। फिर अब बात आई है राहु की, क्या राहु इस कुंडली में योग कारक है या नहीं है, तो इस चीज को हम देखेंगे। तो अब राहु के बारे में हम बात करते हैं, हमारा जो मेन विषय था वो राहु था। तो राहु की महादशा जातक को कैसी निकलेगी, तो राहु जो है वो किस किस तरह के परिणाम देगा। देखिए राहु यहाँ पे, तो राहु जो है वो मिथुन राशि में बैठा है, मिथुन राशि जो है वो पश्चिम दिशा की राशि है, और इस जन्म कुंडली में जो मिथुन राशि है वो पश्चिम दिशा में ही आ रही है, और मिथुन राशि जो है वो द्विस्वभावीय राशि है। द्विस्वभावीय का मतलब है दो स्वभाव वाली, यानी कि ड्यूअल साइन। तो राहु भी एक तरह से ड्यूअल साइन प्लेनेट है, क्योंकि वो जो है वो दिखता कुछ है और होता कुछ है, और इसके हमेशा ही जो दो तरह से परिणाम आते हैं, एक तो उसका इफेक्ट आता है जो अच्छा इफेक्ट आता है, एक उसका साइड इफेक्ट भी जरूर आता है। तो इस हिसाब से राहु जो है वो मिथुन राशि में काफी इक्विलेंट माना गया है, अच्छे रिजल्ट देता है। अब देखिए राहु जो है वो 7th हाउस में बैठा है, और इसकी जो युतियां हैं वो बुध सूर्य और शुक्र के साथ है, और चंद्रमा की दृष्टि है। तो यहाँ पे चंद्रमा की दृष्टि देखिए, तो चंद्रमा का 8वां घर और शुक्र के साथ युति है तो छठा घर, तो छठा घर, 7वां घर, 8वां घर, सूर्य का 9वां घर और बुध का 10वां घर और शुक्र का 11वां घर। तो यानी कि कुल मिला के राहु जो परिणाम देगा वो लग्न के देगा, उसके बाद आपका 6ठे घर का, 7वें घर का, 8वें घर का और 9वें घर का, 10वें घर का और 11वें घर का, सारे ही घर अच्छे हैं, काफी अच्छे हैं, कोई गड़बड़ नहीं है। 6ठा घर नौकरी का हो गया, 8वां घर जो है वो डीप एनालिसिस है, या फिर जो भी आपका होटल से संबंधित जो भी व्यवसाय उसमें काफी अच्छी रुचि दिखाता है 8वां घर, और 9वां 10वां 11वां ये सब घर अच्छे ही हैं। तो कुल मिला के राहु जो है वो मंगल की जो परिणाम है उस परिणाम को आगे लेके जाता है, उस परिणामों में कोई कमी नहीं करता, और यहाँ पे मंगल की तरह राहु भी एक योग कारक प्लैनेट जो है वो हमें नजर आता है, और राहु जो है मंगल के दिए हुए जो वर्क है यानी जो कार्य है उस शैली के ऊपर एकदम परफेक्ट आता है। तो व्यवसायिक दृष्टि से हम अगर देखें
तो राहु यहाँ पे मंगल के रिजल्टों में काफी अच्छा प्रॉफिट दे रहा है और उसके रिजल्टों में काफी तरह का अच्छा फायदा दे रहा है। राहु जो है वो आद्रा ही नक्षत्र में है, यानी कि आद्रा नक्षत्र जो गांव जो मालिक है वो राहु ही होता है, तो राहु अपने ही रिजल्ट दे रहा है, तो यानी कि राहु है काफी अच्छा। इस जन्म कुंडली में राहु जो है अगर व्यवसायिक दृष्टि से देखा जाए तो काफी अच्छा रिजल्ट देता है। तो राहु को हम अगर नवमास कुंडली में देखते हैं तो राहु जो है नवमास कुंडली में धनु राशि में पंचम भाव में आ रहा है सूर्य के साथ। सूर्य जो है वो हायर लेवल को दर्शाता है, बहुत बड़े लेवल को, सरकारी गवर्नमेंट लेवल को दर्शाता है, और होटल मैनेजमेंट एक तरह से बहुत बड़ा लेवल होता है, काफी बड़े बड़े होटल्स होते हैं। तो उस हिसाब से राहु का पंचम भाव में होना इंटेलिजेंसी दर्शाता है, गुरु जो है वो मैनेजमेंट को दर्शाता है जो चौथे भाव में विराजमान है, और ठीक उसकी सातवीं दृष्टि है चंद्रमा के ऊपर, तो गज केसरी योग बनता है, चंद्रमा उच्च का है दशम भाव में, तो ये काफी अच्छे सिग्निफिकेंस है जन्म कुंडली में। उसके बाद आप दशमांश कुंडली में देखोगे तो राहु दशमांश कुंडली में भी पंचम भाव में आ रहा है और इंटेलिजेंट बुध के साथ, बुध बड़ा ही तार्किक होता है, बहुत इंटेलिजेंट होता है, तो इस बुध के साथ आ रहा है राहु, और राहु जो है वो पंचम भाव में आने के कारण काफी योग कारक होता है। तो इस जन्म कुंडली में राहु जो है वो मंगल के दिए हुए परिणामों में काफी सटीक उतरता है और व्यवसायिक दृष्टि से काफी अच्छा जाता है। अब देखिए कि हमारा विषय था कि राहु की मार दशा में कैसे कैसे परिणाम आएंगे बाकी ग्रहों के, तो हमने ये काउंट कर लिया है कि राहु जो है वो व्यवसायिक दृष्टि से इस जन्म कुंडली में काफी अच्छा सिद्ध हुआ है। अब देखिए राहु का जो अभी जो राहु की दशा चल रही है, राहु में शनि चल रहा है, राहु में शनि, तो शनि जो है वो इस जन्म कुंडली में आप देखिए सेकंड हाउस का मालिक है और थर्ड हाउस का मालिक है, दोनों ही भाव बड़े अच्छे हैं, और शनि जो है वो सत्विशा नक्षत्र में है, सत्विशा नक्षत्र का मालिक जो है राहु है, तो शनि जो भी परिणाम देगा वो राहु के रिजल्टों के ही देगा, यानी कि शनि जो है वो राहु के अधीन है, राहु से ही परिणाम लेके वो अपने परिणाम देगा, क्योंकि शनि जो है वो शतविशा नक्षत्र में है और शनि जो है वो सेकंड हाउस का मालिक है, दो धन भाव है, और नवमास कुंडली में भी आप देखिए शनि जो है वो अपनी ही राशि में है, और आप दशमास कुंडली में देखोगे तो वहां भी शनि जो है वो सेकंड हाउस में ही विराजमान है, जो कि शुक्र की राशि है, जो यहाँ पे एक तरह से शनि की काफी अच्छी राशि मानी गई है, तो यानी कि शनि जो है वो काफी अच्छे परिणाम दे रहे हैं फाइनेंशियली कंडीशन के लिए, तो शनि जो है वो इस जन्म कुंडली में राहु की महादशा में काफी अच्छे परिणाम देंगे। अब देखिए शनि के बाद जो आएंगे बुध, तो बुध देवता कैसे परिणाम देंगे, अब देखिए कि राहु जो है उसके हमने इफेक्ट भी देखे हैं, अब साइड इफेक्ट देखिए राहु का बुध के अंदर आना, यानी कि बुध के अंतर दशा का जब आना तो राहु के ऊपर क्या रिजल्ट देगा, बुध जो है वो सातवें घर का मालिक है, दसवें घर का मालिक है, और बुध जो है मृक्षरा नक्षत्र में है, मृक्षरा नक्षत्र का मालिक जो है वो मंगल है, मंगल छठे भाव में विराजमान है, छठा भाव जो है वो बीमारी का होता है, प्लस चंद्रमा जो है वो फर्स्ट हाउस में बैठा है, जो यहाँ का लगन के अंदर बैठा है, फर्स्ट हाउस हमारा जो शरीर है, तो बुध का जो उप नक्षत्र है वो चंद्रमा है, तो यहाँ पे चंद्रमा जो है वो अष्टम भाव का मालिक है, यानी कि आप ये मानिए कि वह ग्रह कोई भी ग्रह अगर पहले घर का संबंध छठे से और आठवें से जोड़ देता है और उसके बाद बारहवें से भी जोड़ना, क्योंकि मंगल जो है वो बारहवें घर का भी मालिक है, छठे घर का भी मालिक है, और चंद्रमा के नक्षत्र उप चंद्रमा जो है मंगल जो चंद्रमा के नक्षत्र में है और बुध जो है वो चंद्रमा के ही उप नक्षत्र में है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो मंगल है वो यहाँ पे बुध के साथ और चंद्रमा के साथ मिलके यहाँ पे थोड़ा सा बीमारी का योग देता है, यानी कि हेल्थ संबंधी प्रॉब्लम आ सकती है। हाँ व्यवसायिक संबंधी कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हेल्थ संबंधी प्रॉब्लम जरूर आएगी, क्योंकि मंगल जो है वो छठे घर का मालिक है, चंद्रमा आठवें घर का मालिक है और मंगल आठ बारहवें घर का मालिक है, तो यहाँ पे ये तीनों के तीनों लग्न के ऊपर भारी हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कोई हेल्थ संबंधी इश्यू जरूर आएगा बुध की दशा में। तो उसके बाद देखिए केतु को, केतु देवता क्या कह रहे हैं, केतु देवता जो है, केतु देवता जो है मूला नक्षत्र में है, मूला नक्षत्र का मालिक केतु ही होता है और केतु देवता फर्स्ट हाउस में विराजमान है और चंद्रमा से युति है, तो अष्टम भाव को ले लिया है, यहाँ पे केतु का अष्टम भाव को लेना एक तरह से थोड़ा सा हेल्थ संबंधी प्रॉब्लम है,
और केतु जो है वो गुरु के उप नक्षत्र में है, तो गुरु लगन लॉर्ड है प्लस पंचम भाव के अंदर रिकवरी के मालिक है। तो यहाँ पे गुरु का रिकवरी में आना और गुरु की दृष्टि का नवम भाव पे होना, नवम भाव जो है वो भाग्य है, रिकवरी को ही दर्शाता है। तो यानी कि केतु जो है वो थोड़ा बहुत हमें हेल्थ से संबंधित रिकवरी भी देता है और थोड़ी बहुत बीमारी भी देता है। तो केतु जो है वो इतना ज्यादा डरावना नहीं है जितना कि हेल्थ संबंधी बुध था। तो केतु भी इसमें काफी अच्छा जाने की उम्मीद है, व्यवसायिक दृष्टि से तो जाएगा ही, साथ में हेल्थ दृष्टि से भी ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं रहेगा, नॉर्मली अच्छा ही जाएगा। उसके बाद देखिए शुक्र, शुक्र जो है वो कैसा जाएगा। शुक्र यहाँ पे देखिए मंगल के नक्षत्र में है, तो मंगल के नक्षत्र में होने की वजह से ये भी हेल्थ संबंधी प्रॉब्लम देगा ही देगा, क्योंकि मंगल जो है वो छठे और आठवें घर का मालिक है, और यहाँ पे मंगल का छठे आठवें घर का मालिक होने की वजह से ये प्रॉब्लम आएगा। प्लस केतु के उप नक्षत्र में है, केतु पहले घर का मालिक है, तो पहले घर का मालिक है और चौथे घर का भी मालिक है और पंचम घर का भी मालिक है, क्योंकि पांचवा घर गुरु का है, केतु गुरु के उप नक्षत्र में था और केतु जो है वो गुरु की राशि में है, तो चौथे घर का भी मालिक है। चौथा घर जो है वो हर तरह की जो पॉसिबिलिटीज है यानी कि स्वास्थ्य में रिकवर होने की, उसको काट देता है। तो यहाँ पे शुक्र जो है वो थोड़ा सा हेल्थ में डाउन पॉइंट तो लाएगा ही लाएगा, साथ में रिकवरी को रोकेगा यानी कि जो दवाई लगनी है उसको रोक लेगा। तो यहाँ पे ये चीजें हमें नजर आती है। फिर सूर्य जो है वो क्या रिजल्ट देगा, सूर्य यहाँ पे जो है वो अपने आद्रा नक्षत्र में है, आद्रा नक्षत्र का मालिक राहु है, तो राहु में होने की वजह से सूर्य जो है काफी अच्छे रिजल्ट देगा। तो सूर्य का यहाँ पे होना काफी अच्छा आएगा, प्लस नाइन्थ हाउस का मालिक है जो यहाँ पे अच्छी हेल्थ को दर्शाता है, तो सूर्य जो है काफी अच्छा योग कारक प्लेनेट है स्वास्थ्य को लेके, तो स्वास्थ्य में सूर्य का रोल बड़ा अच्छा है, तो सूर्य यहाँ पे स्वास्थ्य में काफी अच्छे रिजल्ट देगा। चंद्रमा, चंद्रमा जो है वो हेल्थ में काफी नेगेटिव रिजल्ट देगा, क्योंकि चंद्रमा जो है वो लग्न में बैठा है, अष्टम घर का मालिक है और मूला नक्षत्र में केतु का मालिक है, जो हेल्थ रिकवरी को भी रोकता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे चंद्रमा जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव है, तो इस जन्म कुंडली में। और मंगल जो राय राहु के जो अंतिम जो अंतरदशा है वो मंगल की आएगी, ये भी हेल्थ संबंधी गड़बड़ाएगी। जातक को राहु की महादशा में बुध से और शुक्र से, चंद्र से और मंगल से, इन चारों दशाओं से थोड़ा सा हेल्थ में परेशान होने का वक्त आ सकता है। बाकी केतु और ये जो बाकी ग्रह हैं, सूर्य है, ये इतना बुरे नहीं जाएंगे, केतु थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है, हेल्थ में रिकवरी को रोक सकता है, बाकी काफी अच्छे प्लेनेट हैं। तो राहु का यहाँ पे इफेक्ट था कि व्यवसाय के अंदर तो बहुत अच्छा रिजल्ट दिया, लेकिन हेल्थ में काफी इसने प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अगर हम इस चीज को अच्छे तरीके से देखना चाह रहे हैं और इसमें कुछ स्वास्थ्य से संबंधित और कुछ जानकारी चाहते हैं, तो इसका एक जन्म कुंडली होता है, जैसे दशम भाव को देखने के लिए दशमांश होता है, सप्तम भाव को देखने के लिए नवमांश होता है, वैसे ही स्वास्थ्य विचार के लिए स्वास्थ्य विचार की एक जन्म कुंडली होती है। तो स्वास्थ्य विचार के लिए अक्ष वेदांश जन्म कुंडली होती है, जिसमें हम आराम से देख सकते हैं कि स्वास्थ्य से संबंधित क्या प्रॉब्लम आ सकती है क्या नहीं है। देखिए यहाँ पे पंचम भाव में सूर्य का होना ये दर्शाता है कि जातक को स्वास्थ्य में रिकवरी और अच्छी हेल्थ को दर्शाता है। सूर्य जो है वो अच्छी हेल्थ का कारक है शरीर में और एनर्जी का, और जो हम जैसे वास्तु है या किसी भी सब्जेक्ट में देखते हैं, तो सूर्य जो है एनर्जी का कारक है, और पंचम घर में होना सूर्य अच्छे स्वास्थ्य का कारक है। तो यहाँ पे सूर्य का पंचम घर में होना अच्छी हेल्थ को दर्शा देता है, और शुक्र जो है वो छठे घर में है और मीन राशि में, तो यहाँ पे शुक्र जो उच्च का हुआ है ये दर्शाता है कि यहाँ पे शुक्र जो है वो हेल्थ में कुछ ना कुछ अच्छा पॉइंट लेके आएगा। साथ में गुरु है वो भी अपनी ही मीन राशि में, अपनी ही राशि में, स्व राशि में, तो यहाँ पे शुक्र और गुरु का छठे भाव में होना कि हेल्थ में हमेशा ही प्रॉफिट, या मतलब ये माने कि हेल्थ में उतना डाउन पॉइंट कभी नहीं आएगा जितना कि उसको उम्मीद होगी, हेल्थ में हमेशा ही उसको सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि पंचम घर में सूर्य का होना और छठे घर में शुक्र और गुरु का होना, और वो भी अपने अच्छे राशियों में, तो यहाँ पे ये काफी अच्छा दिखाता है। प्लस दसवें घर में चंद्रमा का अपनी स्व राशि में होना ये बहुत अच्छा विचार है, क्योंकि चंद्रमा स्ट्रांग होना ही चाहिए, क्योंकि चंद्रमा एक ऐसा ग्रह जो हर समय
रिजल्ट देता है हर समय, इसलिए कि चंद्रमा हर 2.5 दिन में ट्रांजिट में घूमता रहता है, तो कभी ना कभी वो हर 2.5 दिन में किसी न किसी ग्रह के ऊपर आता है, तो उससे संबंधित हमें जल्दी से रिजल्ट आ जाते हैं। मान लीजिए कि हमें मंगल परेशान कर रहा है, बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, और चंद्रमा हमारा अच्छा ग्रह है, बहुत अच्छा ग्रह है जो हमें रिकवरी दे रहा है। अब मंगल के ऊपर ट्रांजिट में अगर मंगल के ऊपर सॉरी अगर हमारी लग्न कुंडली में, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लग्न कुंडली में मंगल जो है वो वृषभ राशि में बैठा है, और चंद्रमा अगर घूमते हुए वृषभ राशि में आया है और मंगल के साथ राशि संबंध बनाया है और 11.47 डिग्री के लगभग करीब आ गया, तो इसका मतलब है कि वो जो मंगल हमें बीमारी दे रहा था, उस मंगल के अंदर हमें चंद्रमा का गोचर का होना वहां पे कुछ समय के लिए, मान लीजिए 2.5 दिन अगर उस राशि में रहता है तो हमें 1.5 दिन या 2 दिन के अंदर काफी रिलीफ आएगा, और वो रिलीफ हमें आता रहेगा हर 15 दिनों में या फिर हर अच्छे समय में। तो यहाँ पे चंद्रमा का अच्छा होना, स्वास्थ्य विचार में हमेशा देखिए चंद्रमा का अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चंद्रमा जैसे ही घूम के हमारे नेगेटिव प्लेनेट के ऊपर आएगा, आते ही हमें कुछ ना कुछ रिलीफ दे देगा, अगर वो अच्छा होगा तो, अगर वो बुरा होगा तो फिर वैसा ही बुरा रिजल्ट भी दे जाएगा। तो ये काफी अच्छा हमें दर्शाता है। फिर देखिए इसका दशम भाव में मंगल नीच का हुआ है, शनि यहाँ पे अपनी राशि में षष्ठ जैसा योग बना रहा है, राहु केतु का यहाँ पे होना तो ये दर्शाता है जातक को कि यहाँ पे इसके चौथे भाव से संबंधित बीमारियां होने के योग है, यानी कि चौथा भाव जो है हमारा ये कहें कि हार्ट से संबंधित कह सकते हो और चेस्ट से संबंधित कह सकते हो, चेस्ट पेन है, ये जो हमारा जो गले के नीचे का हिस्सा है, पेट से थोड़ा ऊंचे का ऊपर का हिस्सा है, ये जो हिस्सा है इसमें 4 प्लेनेट बैठे होना, उसमें मंगल राहु शनि केतु ये इनमें 3 नेगेटिव प्लेनेट हैं और मंगल भी है यहाँ पे, तो यहाँ पे होना ये दर्शाता है कि जातक को चेस्ट से संबंधित बीमारी होने का आभास होता है आने वाले समय में, और उससे संबंधित कुछ दिक्कत हो सकती है, बाकी तो नहीं है, बाकी तो ये जन्म कुंडली काफी अच्छी। तो राहु की महादशा जातक के लिए जिस तरह से हमने बताई है वैसी ही जानी चाहिए और ऐसी ही जाएगी, क्योंकि ये एक अनुभव के तौर पे बात है, तो उम्मीद है कि ऐसी ही जाएगी। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर बताएं, अच्छा लगा तो लाइक करें, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक करें, और कोई कमी रही हो जरूर बताएं। तो धन्यवाद दोस्तों।